吃。Hello and welcome back to the day 5 of continuous vlog. So हाँ, आज मैं करने वाली हूँ सारी challenge for 24 hours. तो मैंने Instagram में बहुत सारे लोगों से ये पूछा था कि मैं living like a boy for 24 hours करूँ या wearing saree for 24 hours. तो बहुत सारे लोगों ने, यानी कि 64% ने कहा कि आप wearing saree for 24 hours करो. तो हाँ, आज मैं करने वाली हूँ वही चैलेंज. ओके, बाहर चीटी बन जाए. तो हाँ, तो पहले मैं नहा धो के आ जाती हूँ, फिर हम अपना कंटिन्यू करेंगे ये वीडियो. सो गाइज, नहाने धोने के बाद फाइनली आई एम इन साड़ी. तो हाँ, अब मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे लग रही हूँ साड़ी में. और ये देखो, दिस इज माई लुक. और मैंने यहाँ पे हील भी लगाया हुआ है, हील भी लगाया हुआ ताकि यू नो थोड़ा अच्छा दिखे. घर में नहीं लगाने वाली हील, बट मैं बाहर जाऊंगी. मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊंगी शाम को और देखते हैं पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है. सो हाँ, दिस इज मी इन साड़ी. सो अब 24 घंटे, यार 24 घंटे अब कैसे रहूँ मैं. तो अब भी मैंने खाना भी नहीं खाया, तो मैं अब जाके खाना खाऊंगी, फिर देखते हैं अब क्या करना है. और हाँ, आज भी हमारे घर रिलेटिव आने वाला है. आज घर में रिलेटिव आएंगे, तो यू नो क्या मैं एक्सप्लेन करूँगी उनको मैं क्या कर रही हूँ कह के. सो देखते हैं अब क्या कैसा होगा. अब थोड़ी देर में रिलेटिव आने वाले हैं और बाहर भी जाना है. भाई मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं पता मेरे को. सो यही था मेरा लुक. अब चलो बिताते हैं 24 घंटे इस साड़ी में. तो गाइस चलो अब लिपस्टिक लेंगे. पता नहीं मेरे ऊपर अच्छा लगेगा अभी कि नहीं. मैं कौन सा लाऊं, मरून लगाती हूँ. आई गेस इट्स टू डार्क फॉर मी. अच्छा दिख रहा है, बेकार दिख रहा है मेरे को. यार बस हाथ को ऐसा करके रखना पड़ता है कि पल्लू ना गिर जाए. क्योंकि बहुत डार्क हो गया. कैसा दिख रहा है आप ही बताना. मैं रेड भी थोड़ा सा लगाऊं. ठीक ही ठाक दिख रहा है, I guess so. पर टाटों में लग गया. देखा पल्लू कैसे हो रहा है. और लग रहा है इसके ऊपर. एक मिनट, देख सकते हो कैसे हालत मैंने बना लिया अपना.
ये मैट लिपस्टिक लाना ना अपने आप में ही एक जंग है। थोड़े पे अच्छा तो लगता है बट लाने में नानी याद आती है। यार मैं इससे पूछूंगी हट। बताना कैसा दिख रहा है। चलो ये देखो गाइस मैंने लिपस्टिक लाई बट थोड़ा सा यू नो बिगड़ गया यहाँ से। तो अब मैं सोच रही हूँ कुछ घर का काम करके देखते हैं कि कैसा लगेगा हमारे इस साड़ी में, कैसा कंफर्टेबल है कि नहीं देखते हैं। अभी तक मेरे हाथों में वही लिपस्टिक लगी हुई है। तो अभी चलो बर्तन तो है नहीं बट बर्तन धोने का ट्राई करते हैं। धोए हुए बर्तन कम धोएंगे। अच्छा हाँ एक बर्तन है तो हम इसको धोएंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे रहो जाओ। ओके माय गॉड मैं गिरने वाली थी। ये साड़ी को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो चलो धोते हैं। इससे पहले हम अपना नोट बनाएंगे। डन यू नो ऐसे बना लोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा बट नीचे फिर भी इतना लेंथ है ना कि एक बार गिरोगे तो गए। तो धोते हैं पहले। नाइस हो गया। सो गाइस बर्तन धोने में भी ठीक ठाक है। अब हम क्या करें हम क्या मारे पोछा मारेंगे नहीं पहले झाड़ू लगेंगे फिर पोछा मारेंगे। ओके 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 सो लेट्स स्टार्ट। हाँ सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं काम वाली भाई आज मैं अपने साहब के घर में झाड़ू लगाने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं कैसे झाड़ू लगाते हैं। आइए आइए देखिए मेरे को ऐसे करके चलना पड़ रहा है क्योंकि ये कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइस तो अब मैं साहब के घर में झाड़ू लगाऊंगी आप देखते जाओ। और हाँ अगर किसी को कामवाली भाई चाहिए तो 150 रुपया महीने में हो जाएगा आपका। ओके तो मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ओके गाइस अब देखेंगे हम कैसे झाड़ू लगाएंगे। माय गॉड देख रहे हो ये रहा झाड़ू। अब हम झाड़ू लगेंगे यहाँ पे। तो चलो चलते हैं झाड़ू लगाते हैं। अरे मेम साहब अरे नमस्ते नमस्ते मेम साहब। हाँ हाँ हम काम ही कर रहे हैं जी। तो चलो झाड़ू लगाते हैं। ओके ये भी डन मेरे साहब। गाइस बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है देख सकते हो आप। बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आपको काम करना ही है तो सूट लगा लो या जींस पैंट लगा लो बट इसमें ना करो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ।
इतना बार बार फंसता ना इसमें पैर। हाय देख लो देख लो, अभी भी फंसा हुआ है। और मैं घर में हील लगा के नाच रही हूँ तब तक, तभी से लेकर अभी तक। हाय गाइस, मैंने कभी भी मॉडल्स की तरह साड़ी में रैमॉक नहीं किया, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस साड़ी में हम रैमॉक करें, वो भी हील्स के साथ। तो चलो हम रैमॉक करके दिखाते हैं। तो गाइस, आज आप देखने वाले हो रैमॉक बाय कामली बाय। कामली बाय तो जी हमारा कैमरा सेट हो गया। मैम साहब आपका, अरे आपको काम करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे बैठे बैठे मैम साहब जाइए जाइए मैम साहब जाइए। ओके लेट्स स्टार्ट। चलो इस साड़ी से मन भर गया, अभी मैं ये लगाने का सोच रही हूँ। ये नया पिंक साड़ी है, सो इसे ट्राई करते हैं। सो हम लगाते हैं। और इसमें मेरे को चलने भी नहीं आ रहा, पहले मैं ये लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। I'm ready. So guys, ये साड़ी भी बहुत मस्त लग रही है मेरे ऊपर, आई गेस सो। ये भी बहुत अच्छी लग रही है। कमेंट करके बताना ये वाली साड़ी मुझ पे ज्यादा अच्छी लगी या वो क्या बोलते हैं जॉर्जेट है कि सिफोन, वो वाली साड़ी कौन सी अच्छी लगी? सिफोन साड़ी हो? हाँ तो जॉर्ज सिफोन, हाँ सिफोन साड़ी अच्छी लगी या ये सिल्क वाला है ना मामा? हाँ ये सिल्क वाला। आई होप ये अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर। सर मैं थोड़ा बहुत रील भी बनाऊंगी अभी, तो रील बनाते हैं और मैं अपने फ्रेंड के साथ एक ट्रांजिशन वीडियो भी करूँगी, तो वो भी देख लेना। सो गाइस इट्स माय रील डन, मैंने रील सारे बना लिए। अब मैं सोच रही हूँ मैं बाहर ना जाऊँ, क्योंकि बाहर जाके मेरी खिल्ली उड़ने वाली है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊँगी। और ऊपर से मैं इंट्रोवर्ट हूँ, सॉरी। तो हाँ अभी थोड़ी देर में शाम होने वाली है, तो खाएंगे पियेंगे फिर सो जाएंगे, हमारा डेली का रूटीन वही है। तो हाँ अब क्या बताऊँ, सो अभी भी 12 घंटे बाकी है इसमें बिताने का। इसमें नहीं, मैं पहले वाले साड़ी में जाऊंगी, ये थोड़ा हैवी है। सो हाँ पहले वाले साड़ी में जाएंगे, फिर यू नो सारा कुछ करेंगे हम। गाइस ये देखो फ्यूचर गैम्बलर्स पोकेमोन कार्ड के साथ। हाय हेलो अभी तक कौन जीता? मैं। तुम इधर देखना आदि। ये भी सुनवा था भाई, किसका है? नहीं नहीं इसने कहा था 2.5 किलो का ब्लाउज किसका है, याद है? वो 2.5 किलो का हाथ, हाथ भी कहा था। और मौसी का ब्लाउज देख के इसने कहा था ये 2.5 किलो का ब्लाउज किसका है, याद है आदि? मम्मा आदिले बने थे ना एक चोटी भीमनगर उदा, ये 2.5 किलो का ब्लाउज किसका है? तो गाइस सारे लोग आ चुके हैं पर मैं नहीं पाया, मैं नहीं पाया। और यहाँ मैंने ऐसे करके बांध लिया है गिट्ठा कि खुल ना जाए कुछ ना हो कह के। यार बहुत ही मुश्किल है पूरा बिताना 24 घंटे, यू नो दैट्स टू मच। मैं क्या करूँ अभी, मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, काम ख़त्म फिर हम करेंगे कुछ, बाहर जाएंगे घूमे फिरेंगे वही है। डूड चेक दिस आउट, ये
यहाँ पे देखो, मैंने ऐसे करके बांधा हुआ ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और वहाँ पे रही लकी, यहाँ पे रही सीखा, मैं क्या करूँ? तो हाँ भाई, मैं क्या करूँ पता नहीं है। इधर उधर टाइम पास करूँगी, फिर जाएंगे शाम को घूमने फिरने। फिर और 24 घंटे, दैट्स टू मच मेरे लिए। मैं अभी अनकंफर्टेबल हो गई, ये बार बार पैर में ये जा रहा है, ऐसे करके हो रहा है, फिर मैं गिरने वाली रहती हूँ, फिर समझ जाती हूँ ना। तभी देखते क्या करना है, बहुत मुश्किल है ये सब। मैं सोच रही मैंने ये चैलेंज क्यों लिया, यू नो, सारे रिश्तेदार के सामने मेरी बेइज्जती हो गई है इस साड़ी में, और अभी मैं क्या करूँ? हाँ जी, क्या करूँ बताओ। अभी और एक मामा आने वाले हैं, अब उनके सामने मेरी बेइज्जती होंगी। बेइज्जती होंगी, वाओ वाओ, बेइज्जती होगी। हाँ जी, सो अभी का सीन ये है कि अभी 5 बज गए हैं और मम्मा और सारे रिश्तेदार गए अभी मंदिर, पास वाले मंदिर में घूमने फिरने, और मैं इस साड़ी में पागल की तरह एक रूम में बंद। मैंने कहा था मैं बाहर जाऊंगी, बट यू नो आई एम एन इंट्रोवर्ट और मैं नहीं जाऊंगी। बाय। सो गाइस, अभी मैं खा रही हूँ चावल, पनीर की सब्जी और ये सलाद। तो आप खाते हैं फिर बात करते हैं। गाइस, डू यू थिंक कि मैं अभी तक साड़ी में हूँ? डू यू थिंक? नो, आई एम नॉट। मैंने थोड़ी देर पहले ही क्विट कर दिया, क्योंकि जितने कंफर्टेबल मैं इस ड्रेस में हूँ ना, ये साड़ी नहीं दे सकती मेरे को उतना कंफर्टेबलनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ना सोने में हो रहा था, ना कुछ काम करने में हो रहा था, इजी नहीं था बिल्कुल भी। हर बार मैं गिर रही थी, इसीलिए मैंने वापस ये डाल लिया। तो आप ही लोग बताना कि ये चैलेंज कंप्लीट हुआ कि नहीं। अभी तो बज रहा है 10:30। तो मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था ऐसे ही 7:30 बजे और 10:30 हो गया, पता नहीं कितने घंटे में मैंने काउंट नहीं किया। हाँ, तो आप ही लोग बताना ये हुआ कि नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये हुआ। सो नेक्स्ट टाइम से मैं कोई साड़ी चैलेंज नहीं करने वाली, कोई रैंडम सा चैलेंज करेंगे, बट ये साड़ी चैलेंज तो बिल्कुल भी नहीं। तो हाँ, बस आज के लिए इतना है, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, अब हम करेंगे रैम वर्क, क्योंकि ये साड़ी में रैम वर्क करना पॉसिबल है कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट हम ट्राई करेंगे। मेरे को करने आता नहीं है, बट इग्नोर करना, थोड़ी बहुत इग्नोर कर देना। हाँ जी, ओके, हाय, ओके, हेलो। अब हम करेंगे अपना रैम वर्क। सॉरी।